जी हाँ दोस्तों, हमारे एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर को लेकर के हमारे केंद्र सरकार ने सबसे बड़ा भयंकर ऐलान कर दिया है। दोस्तों बता दें कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन 22 जनवरी 2024 को होना है, और दोस्तों बता दें कि इसी के उपलक्ष में हमारे केंद्र सरकार ने आम जनता को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। दोस्तों बता दें कि अगर आपके घर में भी एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर है तो उसके दाम में लगभग हमारे केंद्र सरकार ने 100 रुपये सस्ता करने का ऐलान किया है। तो आइए जानते हैं कि आखिरकार किन किन राज्य में रसोई गैस सिलेंडर को सस्ता करने का ऐलान हुआ है। दोस्तों बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से अब आम बजट पेश होने की तैयारी जोरों शोर से चल रही है। जैसे कि आपको पता ही होगा दोस्तों कि 1 फरवरी 2024 को हमारा बजट 2024 को पेश किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि बजट 2024 में काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेगा, और ऐसे में बता दें कि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, और इसी सब को देखते हुए और साथ ही साथ बजट 2024 को देखते हुए हमारे केंद्र सरकार ने एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर यानी कि जो 14.2 किलो वाला घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में 100 रुपए की कटौती करने की घोषणा हमारे केंद्र सरकार कर सकती है। दोस्तों बता दें कि ये खबर चर्चा में फैल रही है, क्योंकि एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हमारे केंद्र सरकार जनवरी के महीने में कुछ भी कमी नहीं किया था। लेकिन बता दें कि 1 फरवरी 2024 से यानी कि जैसी आपका बजट पेश होगा वैसी हमारे केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता को सबसे बड़ी राहत मिलने वाली है। तो ये बेहद ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, क्योंकि हमारा बजट जब से पेश होगा तब से आपके काफी कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। और ऐसे में अगर आपके घर में एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर है तो वैसे में आप जान लीजिए कि एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर के दाम में हमारे केंद्र सरकार 100 रुपए महासस्ता करने का ऐलान कर दिया है। तो वैसे में आप में नीचे कॉमेंट करके इतना जरूर बता दीजिएगा कि आपके घर में इस समय कौन सा रसोई गैस सिलेंडर है। अगर आपके घर में भी एलपीजी का रसोई गैस सिलेंडर है तो भी, और नहीं है तो भी, इतनी बात हमें नीचे कॉमेंट करके आप बता दीजिएगा। इस वीडियो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम और आप और हम ऐसे ही एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे और आगे हर एक काम की खबर एक दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक और वीडियो में एक और नई जानकारी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।